हेलो एवरीवन, एमएस एसक्यूएल सर्वर इंटरव्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज एसक्यूएल। तो एसक्यूएल क्या होता है इसको हम मुझे समझेंगे, और अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज एसक्यूएल तो आप इसको बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और समझते हैं कि व्हाट इज एसक्यूएल एंड हाउ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज एसक्यूएल। तो एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो जो एसक्यूएल है वो एक एक्रोनिम है, इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल का जो मीनिंग है वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और इसको हम लोग समझेंगे कि बेसिकली ये जो है वो किस लिए यूज होता है और क्या एक्चुअली ये है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म हो गई इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए। सो इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो एसक्यूएल जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इन एनी रिलेशनल डेटाबेस, इन अ रिलेशनल डेटाबेस। सो इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग, आप स्टोर कर सकते हो, एंड प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग में आपका जो है वो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सारी चीज़ें जो है यहाँ पर आ जाती हैं। इन्फॉर्मेशन इन अ रिलेशनल डेटाबेस, किसी भी रिलेशनल डेटाबेस में जो है एसक्यूएल आपका यूज होता है। अ रिलेशनल डेटाबेस स्टोर्स इन्फॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्मेट। तो जो आपका रिलेशनल डेटाबेस होता है वो इन्फॉर्मेशन को टेबुलर फॉर्म में स्टोर करता है, जिसमें जो है आपके रो होते हैं और कॉलम होते हैं जो आपके डिफरेंट डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, विद वेरियस रिलेशनशिप बिटवीन देम। और उनके पास, उनके बीच में अगर कोई रिलेशनशिप होती है तो वो भी जो है वो रिप्रेजेंट करता है। कौन रिप्रेजेंट करता है? रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में जो आपका डेटा होता है वो टेबलर फॉर्मेट में होता है, जिसमें रो और कॉलम होते हैं, और जो टेबल्स होती हैं उनकी फील्ड्स के बीच में रिलेशनशिप जो है वो बनाई जा सकती है। ये है आपका रिलेशनल डेटाबेस के बारे में। यू कैन यूज एसक्यूएल स्टेटमेंट टू स्टोर, अपडेट, रिमूव, सर्च, रिट्रीव। तो जितने भी आपके जो काम होते हैं डेटाबेस रिलेटेड, वो आप जो है वो एसक्यूएल की हेल्प से कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस। तो डेटाबेस में जो आपकी इन्फॉर्मेशन रखी है उसको जो है आप स्टोर करने के लिए, तो स्टोर करने का मतलब है कि डेटा को आपको जो है वो इंसर्ट करना है या फिर आपको जो है वो उसमें इम्पोर्ट करना है, तो इम्पोर्ट करके आप उसको वहाँ पर रख सकते हो, तो डेटा आपका जो है वो स्टोर रहेगा। फिर आप उसको अपडेट कर सकते हो लेटर ऑन, अगर उसमें कुछ चेंज होता है तो अपडेट कर सकते हो। कोई डेटा जो अभी आपके काम का नहीं रहा उसको आप जो है वो रिमूव कर सकते हो। कोई डेटा जो आपको चाहिए उसको आप सर्च कर सकते हो, और अगर आपको एंटायर डेटा चाहिए तो आप उसको रिट्रीव कर सकते हो। ठीक है, तो रिट्रीव मतलब सेलेक्ट कर सकते हो, सर्च का मतलब सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन क्राइटेरिया के साथ तभी आप जो है वो सर्च कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आप एसक्यूएल की हेल्प से कर सकते हो। इसके अलावा टेबल बनाना, टेबल को ड्रॉप करना, कोई भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट बनाना, डेटाबेस पे सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना, क्वेरी को ऑप्टिमाइज करना, ये सारी चीज़ें आप जो है वो एसक्यूएल की हेल्प से ही करते हो। यू कैन ऑल्सो यूज एसक्यूएल टू मेंटेन एंड ऑप्टिमाइज डेटाबेस। तो डेटाबेस को मेंटेन और ऑप्टिमाइज करने के लिए भी आप जो है वो एसक्यूएल का यूज करते हो, और उसकी परफॉर्मेंस को भी ऑप्टिमाइज करने के लिए आप जो है एसक्यूएल का यूज करते हो। तो मेंटेन का मतलब क्या होता है कि डेटा जो है वो डेटाबेस और जो आपका डेटा है वो एक्यूरेट रहे और आपका डेटा जो है वो सिक्योर रहे विद द पासेज ऑफ द टाइम। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है आपका डेटा जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेटा आपका जो है वो किसी काम का नहीं रहा टाइम बीतने के साथ, या फिर उसको कोई भी एक्सेस कर सकता, उसकी सिक्योरिटी चली गई। तो आप जो है वो मेंटेन करते हो प्लस उसको ऑप्टिमाइज भी करते हो कि जो डेटा आपका स्टोर है वो आपका विद इन अप्रोप्रिएट टाइम जो है वो डेटा पुल होके आ जा रहा है। ऐसा नहीं कि यूजर जो है वो सालों वेट कर रहा है तब उसको डेटा मिल रहा है, तो उसको ऑप्टिमाइज भी आपको जो है वो करना पड़ता है, उसको आप करते हो एसक्यूएल की हेल्प से। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो एसक्यूएल के कमांड मेनली होते हैं, जो कमांड हम लोग यूज करते हैं वो क्या कमांड होते हैं। तो एसक्यूएल कमांड्स आर स्पेसिफिक कीवर्ड्स। तो पहले तो आप ये समझ लो कि जो कमांड्स हैं वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स हैं, और या फिर उनको स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो स्पेसिफिक कमांड, एसक्यूएल कमांड आर स्पेसिफिक कीवर्ड्स और स्टेटमेंट दैट डेवलपर यूज टू वर्क विद डेटा स्टोर्ड इन रिलेशनल डेटाबेस। तो ये जो आपके कीवर्ड होते हैं, जो कमांड होते हैं, उनको डेवलपर्स यूज करते हैं रिलेशनल डेटाबेस के साथ काम करने के लिए। तो इनको जो है कुछ भागों में कैटेगराइज किया जा सकता है कि आप जो है वो किस तरह से इनको समझ सकते हो। तो पहले आपके होते हैं DDL कमांड। ठीक है, तो DDL कमांड बेसिकली इनकी जो फुल फॉर्म होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी कि जो डेटा की डेफिनेशन होती है उसको बनाने की, जैसे टेबल की डेफिनेशन क्या होगी, व्यू की डेफिनेशन क्या होगी, या फिर आपका जो है ट्रिगर है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, आपका जो आपकी जो कॉन्स्टेंट है उनकी डेफिनेशन क्या होगी। तो डेफिनेशन को क्रिएट करने के लिए जो कमांड यूज होते हैं वो होते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो ये कमांड बेसिकली किस लिए यूज होते हैं, दैट डिजाइंस द डेटाबेस स्ट्रक्चर। जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए यूज होते हैं, कि अगर हम कोई प्रोसीजर बना रहे हैं तो हम लोग DDL कमांड यूज कर रहे हैं, अगर हम लोग कोई फंक्शन बना रहे हैं तो DDL कमांड यूज कर रहे हैं, अगर हम लोग कोई टेबल बना रहे हैं तो DDL कमांड यूज कर रहे हैं। DDL कमांड्स आर यूज टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिलीट डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो बिजनेस रिक्वायर के बेस पे आपका जो DDL कमांड होता है वो क्रिएट,
मॉडिफाई एंड डिलीट, और ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, डेटाबेस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, डेटा की नहीं, डेटाबेस ऑब्जेक्ट की, जैसे कि आपका टेबल हो गया, आपका फंक्शन हो गया, आपका स्टोर प्रोसीजर हो गया, इनको बनाना, इनको मॉडिफाई करना और इनको जो है वो डिलीट कर देना, इस काम के लिए आपका जो है वो डिटेल कमांड यूज होते हैं जो कि आपके डेटा डेफिनेशन से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो क्रिएट कमांड को जो है वो क्रिएट डेटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज टेबल व्यूज इंडेक्स, तो टेबल व्यूज या इंडेक्स पर आपको क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कमांड का यूज कर सकते हैं, और क्रिएट कमांड आपका जो है वो एक डीडीएल कमांड है। अगली स्लाइड पर हम लोग देखेंगे कि कितने डीडीएल कमांड होते हैं, कितने डीएमएल कमांड होते हैं, और कितने और जो आपके टाइप हैं उनके कमांड होते हैं। तो सब अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है डीएमएल है, उसकी उसकी जो है क्या कहानी है। तो जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज आपका यहाँ पे रहेगा, सॉरी अभी आपका डीक्यूएल है, फिर हम लोग डेटा मैनिपुलेशन की बात करेंगे। तो डीक्यूएल बेसिकली आपका डेटा क्वेरी लैंग्वेज है जो कि डेटा को क्वेरी करने के लिए यूज होता है। कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसमें आप क्या करते हो, इंस्ट्रक्शंस देते हो फॉर रिट्रीविंग द डेटा स्टोर्ड इन द रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, तो जो आपका डीक्यूएल, आपका डीक्यूएल कमांड्स होते हैं, वो डीक्यूएल कमांड्स बेसिकली क्या करते हैं, उनमें ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आप जो है वो डेटा को रिट्रीव करने के लिए उन इंस्ट्रक्शन को पास करते हो और वो डेटा आपका जो पहले से डेटाबेस में रहता है। तो इस ऐसे जो कमांड होते हैं उनको हम लोग जो है वो डीक्यूएल बोलते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस यूजिंग सेलेक्ट कमांड फिल्टर रिटर्न स्पेसिफिक डेटा फ्रॉम द डेटाबेस टेबल। तो जो आपका सेलेक्ट कमांड होता है उसको जो है आप जब यूज करते हो सेलेक्ट कमांड को, तो सेलेक्ट कमांड में आप जो है डेटा को फिल्टर कर सकते हो और उसको आप जो है ग्रुप कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। तो सेलेक्ट कमांड बेसिकली आपका जो है वो डेटा क्वेरी लैंग्वेज का एक कमांड है जो कि आपका डीक्यूएल का एक कमांड है। तो बेसिकली जो डीक्यूएल होता है वो डेटा को क्वेरी करने के लिए यूज होता है, और आपका जो मेन कमांड होता है जो डीक्यूएल का वो है आपका सेलेक्ट। और सेलेक्ट में ही आप जो है बहुत सारी चीज़ें करते हो कि आपको जो है वो सेलेक्ट टॉप 10 चाहिए, या फिर आपको जो है वो किस कितने कॉलम चाहिए, सारे कॉलम चाहिए, या फिर कुछ स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, आपको पूरा डेटा चाहिए कि फिल्टर करके डेटा चाहिए, आपको जो है वो ग्रुप करके डेटा चाहिए। तो इस तरह से सेलेक्ट कमांड जो आपका होता है वो डीक्यूएल का होता है, और डीक्यूएल में सेलेक्ट कमांड ही यूज होता है क्योंकि डेटा को क्वेरी करने के लिए यूज होता है। पर सेलेक्ट कमांड का यूज आपका जो है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, इसमें आप जो है वो बहुत सारे वेरिएशन ला सकते हो, और सेलेक्ट कमांड आपके बहुत सिंपल से लेके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। हम लोगों ने जब एसक्यूएल की फुल सीरीज करी थी तो उसमें हमने वो सेलेक्ट कमांड को डिटेल में समझा था, आप एसक्यूएल की फुल सीरीज इस चैनल पे जाके देख सकते हो। तो हम लोग बात कर लेते हैं डीएमएल की, कि डीएमएल आपका जो है वो क्या होता है। तो जो आपका डीएमएल है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और ये जो स्टेटमेंट होते हैं वो राइट्स न्यू इन्फॉर्मेशन और मॉडिफाई एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो क्या करते हैं कि या तो ये जो नई इन्फॉर्मेशन है उसको जो है राइट कर देते हैं, या फिर एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई कर देते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेटा मैनिपुलेशन, की जो आपका डेटा ऑलरेडी है उसको मैनिपुलेट करना, कि अगर आपका डेटा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको जो है वो इंसर्ट कर देंगे, और एग्जिस्ट करता है तो उसको मॉडिफाई कर देंगे यानी कि अपडेट कर देंगे इन अ रिलेशनल डेटाबेस। तो जो भी आपके कमांड यूज हो रही हैं सारे के सारे रिलेशनल डेटाबेस की बात करें हम लोग। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो इंसर्ट कमांड जो है वो डेटा को, जो डेटा में न्यू रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए यूज होता है, इंसर्ट कमांड जो आपका होता है वो डेटा में न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। ऐसे आपका अपडेट कमांड होता है जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को आपका अपडेट करने के लिए यूज होता है, और डिलीट कमांड आपका जो होता है वो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए यूज होता है। तो या तो आप न्यू इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो या एग्जिस्टिंग को मॉडिफाई कर सकते हो, और मॉडिफाई में आपका अपडेट और डिलीट दोनों आता है। टीसीएल कमांड की बात कर लेते हैं, यह होता है आपका ट्रांजेक्शन कंट्रोल कमांड। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन आपका जो है हम लोगों ने डिटेल में समझा कि ट्रांजेक्शन क्या होता है, और उसके लिए आपको जो है वो ट्रांजेक्शन कमांड्स मिलते हैं। तो ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज इज यूज टू मैनेज ट्रांजेक्शन इन अ रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस में जब कोई ऑपरेशन आप एज अ ट्रांजेक्शन करते हो, कोई क्वेरी एज अ ट्रांजेक्शन लिखते हो, तो उसमें आप जो है वो ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट के कमांड्स को यूज करते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो रोल बैक हो गया या फिर आपका कमिट हो गया, उसको हम लोग जो बोलते हैं वो आपका होता है ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो अगर आप कमिट कर देते हो किसी कमांड को तो वो डेटाबेस में आपका परमानेंटली कमिट हो जाता है, और अगर कोई एरर आती है तो आप उसको रोल बैक कर सकते हो। तो रोल बैक का मतलब ये होता है कि जो भी आपके चेंजेज हो चुके थे एज अ पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, वो सारे चेंजेज आपके रोल बैक हो जाएंगे, कुछ भी चेंज आपका नहीं होगा, और डेटाबेस आपका प्रीवियस स्टेट में जो है वो वापस चला जाएगा। ट्रांजेक्शन कंट्रोल के बारे में और ट्रांजेक्शन बनाने के बारे में हम लोगों ने एसक्यूएल सर्वर की फुल सीरीज में पूरा डिटेल में समझा है, तो अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो वो सीरीज आप जाके जो है वो देख सकते हो। फिर हमारे पास है डीसीएल कमांड जो कि आपका है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का डेटा कंट्रोल लैंग्वेज।
सो ये बेसिकली डीबीए यूज करते हैं, तो आपका ये है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन यूज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज टू मैनेज और ऑथराइज डेटाबेस एक्सेस फॉर अदर यूजर्स। तो जो आपका डेटाबेस सर्वर होता है उस पर मल्टीपल यूजर जो है वो हो सकते हैं, और उन मल्टीपल यूजर को जो एक्सेस दी जाती है या उनकी एक्सेस का जो लेवल होता है वो सब जो है वो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के थ्रू जो है मैनेज किया जाता है। और बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसको मैनेज करते हैं कि एक यूजर है उसको जो है सिर्फ रीड का ही एक्सेस होना चाहिए, एक यूजर है उसको जो है रीड राइट का एक्सेस होना चाहिए, एक यूजर है उसको फुल एक्सेस होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं वो यूजर के रोल के हिसाब से डीबीए जो है उनको असाइन करता है, जो जिसका रोल होता है वो वही काम कर पाता है। ये बेसिकली आपका जो है वो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है। और इसके एग्जांपल जैसे आपका ग्रांट होता है, तो ग्रांट का यूज करके आप एक्सेस को जो है वो देते हो, एक्सेस ग्रांट करते हो, और रिवोक का यूज करके आप क्या करते हो, एक्सेस को जो है वो रिवोक कर लेते हो। और जब आप एक्सेस ग्रांट करते हो तो आप यहाँ पे बताते हो कि किसको आप क्या एक्सेस ग्रांट कर रहे हो। ये कमांड आपका जो है वो ग्रांट में उसके पास कमांड के पास ये इन्फॉर्मेशन भी होती है कि जो एक्सेस ग्रांट की जा रही है वो एक्सेस किस लेवल की है, वो जो है इंसर्ट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है या फिर खाली सेलेक्ट ही कर सकता है। तो ये परमिशन जो है वो आपकी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के थ्रू आप जो है वो डीबीए यूजर्स को देता है। तो बेसिकली हमारे पास जो कमांड हैं वो आपके हैं DDL कमांड, और फिर उसके बाद में DQL कमांड, ठीक है, DDL कमांड है, DQL कमांड है, DML कमांड है, TCL कमांड है, और फिर आपका DCL कमांड है। तो ये इसकी जो है वो थ्योरी है, और एक एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या बचता है। तो जो आपके DDL कमांड्स हैं, ठीक है, जो DDL कमांड्स हैं उनमें बेसिकली क्या होता है, उनमें आपका क्रिएट होता है, ऑल्टर होता है, ड्रॉप होता है और ट्रंकेट होता है। ये आपके जो है वो DDL कमांड है, और हर एक कमांड को हम लोगों ने SQL सर्वर की फुल सीरीज में डिटेल में पढ़ा है। यहाँ पर हम लोग जो है वो इंटरव्यू के प्रॉस्पेक्ट से आपको कैसे आंसर करना है वो हम लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं कि कितनी इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो, बट काम करने के लिए या फिर वर्क करने के लिए पढ़ने के लिए आपको जो है वो बहुत डिटेल चाहिए होती है, उसके लिए हम लोगों ने फुल कोर्स बनाया है। जो आपका DQL कमांड होते हैं उनमें आपका सेलेक्ट स्टेटमेंट ही होता है, और हम लोगों ने सेलेक्ट स्टेटमेंट की बात की थी, ये बहुत सिंपल से लेके बहुत कॉम्प्लेक्स तक जो है वो हो सकता है सेलेक्ट स्टेटमेंट। और मेनली जो है हम लोग 80% ऑफ द टाइम हम लोग जो है वो सेलेक्ट स्टेटमेंट पर ही काम करते हैं, बाकी के जो है आपके वो 20% में रहते हैं, और 80% में आप सेलेक्ट स्टेटमेंट पर ही काम करते हो। DML कमांड में आपका होता है इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ये आपके DML कमांड होते हैं। TCL में आपका होता है कॉमिट और रोल बैक, और आपका जो DCL होता है उसमें आपका होता है ग्रांट और रिवोक, जिनकी हम लोग जो है वो बात कर चुके हैं। तो इस तरह से आप जो है वो आंसर कर सकते हो कि क्या होता है SQL, और SQL के जो है वो टाइप क्या होते हैं, उनके कमांड टाइप क्या होते हैं और उनकी डिटेल्स क्या होती है, वो सारी चीज़ें आप जो है वो आराम से बता सकते हो। तो अगर क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज SQL, तो इसको आप आराम से जो है रिस्पॉन्स कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।